कुशल भरतेल तूने कर दिया कमाल। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल ने जिम्बाब्वे की टीम को वनडे सीरीज में हरा कर चौंका दिया है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें कि नेपाल ने कीर्तिपुर में खेले गए तीसरे वनडे में जिम्बाब्वे ए को 6 विकेट से हरा दिया और 3 मैच की सीरीज में 2-1 से कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि पहले खेलते हुए जिम्बाब्वे की टीम 213 रन बनाई, जिसके जवाब में नेपाल की टीम 4 विकेट खोकर 31वें ओवर में जीत हासिल कर। आपको बता दें कि बारिश के कारण मैच को 33 ओवर का कर दिया गया था। वहीं आपको बता दें कि दोनों टीम के बीच इससे पहले 3 मैच की T20 सीरीज खेली गई थी जो 1-1 से बराबर रही थी। और इस मैच की बात करें तो टॉस हारकर खेलते हुए जिम्बाब्वे ए के तरफ से नदी बनासे मरुमानी ने 31 गेंद में 50 रन की तेज पारी खेली। इसके अलावा कुरजाई मौजे ने 34 गेंद में 39 रन और रॉयकै ने 48 गेंद में 36 रन की पारी खेलकर टीम को 200 रन पहुँचाने में अहम योगदान किया। आपको बता दें कि कप्तान टोनी मनुयंगा ने 12 गेंद में 34 रन की धुनाधार पारी खेली और टीम को 213 रन के स्कोर तक पहुँचा दिया। नेपाल के तरफ से बॉलिंग की बात करें तो नेपाल के तरफ से लिस्ट ए में डेब्यू करने वाले किशोर महतो ने 43 रन देकर 5 विकेट लिए और उन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। जवाब में 213 रन का लक्ष्य का पीछा करने उतरे नेपाल के तरफ से कुशल भरतेल के 61 गेंद में 84 रन और दीपेंद्र सिंह एरी की 43 गेंद में 60 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली, जबकि आसिफ शेख ने 29 और अंत में विनोद भंडारी ने 28 रन की अहम पारी खेली और नेपाल की टीम ने 17 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। वही जिम्बाब्वे के तरफ से बॉलिंग की बात करें तो जिम्बाब्वे की टीम के तरफ से ब्रेंड मुटावा ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटका। तो बता दें कि कुशल भरतेल ने 3 मैच की सीरीज में सबसे ज्यादा 103 रन बनाए और वहीं नेपाल के तरफ से सोमपाल कामी और करण केसी और जिम्बाब्वे ए के तरफ से ब्रेंड मुटावा ने सबसे ज्यादा 6-6 विकेट ली। वहीं आपको बता दें कि करण केसी ने सीरीज में 6 विकेट लेने के अलावा 25 रन बनाने के लिए मैन ऑफ द सीरीज भी चुना गया।